गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 22। लेक्चर नंबर 22 के अंदर हमें स्टडी करना है लिगेंड सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो हम पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स लेने वाले हैं वो है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में जो मैकेनिज्म यूज में आता है लिगेंड सबस्टिट्यूशन के लिए वो रहता है आपका SN2 मैकेनिज्म। जी इसे हम और भी कहते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म। इट मीन्स जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर रहते हैं। किसमें रहते हैं? 4 में। तो एसोसिएशन मैकेनिज्म के द्वारा पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जाएंगे, देन आफ्टर वो एसोसिएशन मैकेनिज्म के द्वारा कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जाएंगे, देन आफ्टर वो वापस से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो किस टाइप से रहेगा वो भी हम सारी डिटेल स्टडी करेंगे, इसके डिटेल मैकेनिज्म के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन। पहला देखते हैं SN2 जो मैकेनिज्म है वो आपका रहता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन, यानी कि आपके ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होता। अगर आपके पास सिस स्टार्टिंग मटेरियल है तो वो आपको सिस प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करेगा, एंड अगर आपके पास ट्रांस स्टार्टिंग मटेरियल है तो वो आपको ट्रांस प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करेगा। अब हमारे पास एक बात आती है कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा कि D8 मेटल कॉन्फ़िगरेशन के जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो मेजॉरिटी टाइम आपको स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में स्टेबल रहते हैं। D8 सिस्टम स्क्वायर प्लानर में स्टेबल, लाइक निकल सेकंड, पॉक्सिडेशन स्टेट पैलेडियम सेकंड, रोडियम फर्स्ट, इरिडियम फर्स्ट, ऑरम थर्ड, ये सारे के सारे आपके रहते हैं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के अंदर मोर स्टेबल रहते हैं। अब हमें इसे अप्लाई करना है, जो हमने पढ़ा वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास लाइक NaCN4-2-, तो यहाँ पे Na की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी है? सेकंड। इसलिए और ये है आपके पास D8 कंडीशन स्क्वायर प्लानर। इसकी हमें रिएक्शन करवानी है साइनाइड में जो कार्बन है वो कार्बन-13 लेबल्ड है, तो कार्बन-13 साइनाइड से हमें इसकी रिएक्शन करवानी है। तो डेफिनेटली जब ये स्क्वायर प्लानर, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है आपके पास? कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपका SN2 मैकेनिज्म के द्वारा रिएक्शन परफॉर्म होगी। आपका एसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, पहले एसोसिएशन ऑफ लिगेंड रहेगा, लाइक देख लेते हैं। तो ये NaCN4-CN13 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो पहले -2 चार्ज था वो किसके अंदर चेंज हो गया? -3 चार्ज के अंदर। तो ओवरऑल अभी यहाँ पे अगर आप कह सकते हो कि जो मेटल के ऊपर चार्ज है वो सेम आएगा आपके पास, कैसे? लाइक Ni की आपने एज्यूम कर ली X4Cn है तो -4, एंड एक कार्बन-13 Cn है तो इसमें भी -1 आएगा, -3। तो X=-3+5=+2, -4 और -1 -5 होंगे, आप इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो +5 आपको लिखना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपका ऑक्सीडेशन नंबर अभी चेंज नहीं हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है? 5। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा रहेगा? डिसोसिएशन ऑफ लिगेंड। तो जो आपका एक नॉर्मल CN है विदाउट लेबल वो आपका डिसोसिएट होगा और वो स्टेप आपकी खिलाएगी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS स्टेप आप इसे कहेंगे। इंपॉर्टेंट स्टेप है RDS स्टेप इन द स्क्वायर प्लानर लिगेंड सबस्टिट्यूशन रिएक्शन इज डिसोसिएशन ऑफ CN लिगेंड। तो फिर आपके पास बनेगा NaCN3 एंड कार्बन-13 लेबल साइनाइड 2-4। तो इसमें क्या हुआ? रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इन द प्रोडक्ट आपको देखने को मिला। तो प्रोडक्ट ज्योमेट्री कैसे होगी? लाइक दिस वन Ni, ओके, दिस Ni एंड दिस, ये स्क्वायर प्लानर के कॉर्नर्स हो गए और यहाँ पे आपको लिगेंड प्लेस करना है बस नॉर्मल, जो पहले CN है और एक जो CN है वो क्या? कार्बन-13 लेबल्ड था, ओके, दिस। ये बन गया आपके पास स्क्वायर प्लानर प्रोडक्ट रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगुरेशन। अब इसके अंदर रेट ऑफ द रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। तो स्लो स्टेप के समय जो हमारी था, देख लेते हैं, स्लो स्टेप जो था वो डिसोसिएशन ऑफ लिगेंड हमको बता रहा था, ये कॉम्प्लेक्स बना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये
ये किससे बना था, इससे। इट मीन्स तो स्टार्टिंग मटेरियल में NaCN4 2- एंड Ca13 साइनाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है, यानी कि ओवरऑल ये कैसा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो वैसे भी हमें पता ही रहता है कि अगर हम SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट वन स्टेप के अंदर वो कंप्लीट होती है, और SN1 की बात कर रहे हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और टू स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन जो रहती है वो कैसी है, SN2 मैकेनिज्म की रिएक्शन है और आपकी वन स्टेप के अंदर ही कंफर्म हो जाती है। तो हमें समझने के लिए इसको स्टेप यहाँ पे लिख रखे हैं। ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है या एक्सरसाइज आप बोल सकते हो उसको। सिस प्लेटिनम Pr3 ट्वाइस Cl और L, ये जो Cl और L का एक पेयर है, L आपका लिविंग ग्रुप है, Cl आपका विदाउट लिविंग ग्रुप है। ओके, तो सिस प्रोडक्ट है, मीन्स L एंड Cl आपके 90 डिग्री के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर मुझे इसे ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कैसे करेंगे, लाइक मुझे जस्ट प्लेटिनम यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे रहेगा Cl तो यहाँ पे रहेगा L, कितने डिग्री के एंगल पे, 90 के। अदर जो Pr3 एज दिस रहेगा, दिस वन Pr3 एंड दिस वन Pr3, ये स्क्वायर प्लानर आपका कॉम्प्लेक्स रहेगा, स्क्वायर प्लानर। ओके, तो L लिविंग ग्रुप था, Y एंटरिंग ग्रुप है H2O एंड NH3। L को हमने लिया, अब L और आपका Y का Cl का एक पेयर बनेगा। अगर L हमारे पास पिरिडिन है, लाइक दिस वन L पिरिडिन है, तो SN2 रिएक्शन आपकी जो मैकेनिज्म रहेगा वो रहेगा आपके पास एसोसिएटिव मैकेनिज्म। L आपके पास पिरिडिन सब इंस्टीट्यूटेड है, इसलिए हमने लिखा है Py*, तो भी आपको जो आपको मिलेगा एसोसिएटिव मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। अब अगर L के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा बढ़ जाए, लाइक L के दोनों ही ऑर्थो पोजिशन के ऊपर मेथाइल ग्रुप है, तो उस कंडीशन में भी ये Py* ही लेगा, लेकिन मोर स्टेरिक है, क्राउडिंग है, तो ये रिएक्शन हमको देगा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू। मतलब अब पहले आपका डिसोसिएट होगा लिगेंड, फिर आपका एंटर करेगा, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर फोर था वो 3 में कन्वर्ट होगा, फिर 3 वापस से 4 में कन्वर्ट होगा। ओके, पहले डिसोसिएट होगा। इसी तरह अगर सब इंस्टीट्यूट है, लाइक ऑर्थो पोजिशन पे आइसोब्यूटिल है, दोनों ही ऑर्थो पोजिशन पे, तो भी वो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो आई होप आप सभी L के नेचर के अकॉर्डिंग SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन या डिसोसिएटिव या एसोसिएटिव रिएक्शन को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग सब इंस्टीट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम सेकेंड। अब प्लेटिनम सेकेंड मेटल मेजोरिटी टाइम स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में प्रोवाइड करवाता है, तो उससे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो 4 फैक्टर्स से 6 फैक्टर्स है। लाइक पहला फैक्टर था नेचर ऑफ एंटरिंग लिगेंड, सेकेंड है आपके पास नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। ओके, तो एंटरिंग लिगेंड आपके पास लाइक जो भी नाम दे दिया, लिविंग ग्रुप आपने नाम दे दिया, एक्स दे दिया या एल दे दिया, जो भी आप दे सकते हैं इसे। फिर है चार्ज, ये चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना, उसका भी इफेक्ट रहता है। फिर आपके पास स्टेरिक इफेक्ट ऑफ नॉन लिविंग लिगेंड, लाइक जो अभी हमने पढ़ा पिरिडिन था, एक पिरिडिन सब इंस्टीट्यूटेड था, पिरिडिन सब इंस्टीट्यूशन उसके अंदर ज़्यादा था, तो मैंने इसे डबल स्टार दिया, एक पिरिडिन के अंदर मैंने सब इंस्टीट्यूशन और भी ज़्यादा लिया था, इसमें आइसोब्यूटाइल लिया था, तो मैंने इसे ट्रिपल स्टार दिया। तो स्टेरिक इफेक्ट ऑफ लॉन्ग लिविंग ग्रुप लिगेंड रहेगा तो भी वो उसके ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा हम पढ़ेंगे। सॉल्वेंट का किस टाइप से इफेक्ट रहेगा एंड ट्रांस इफेक्ट किसे कहते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। ऐसे हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में भी ट्रांस इफेक्ट के बारे में स्टडी की है, फिर भी हम यहाँ पे भी उसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा देख लेंगे। एंड जस्ट हम स्टार्ट करते हैं ट्रांस इफेक्ट। हमने इन सभी फैक्टर के बारे में पहले पढ़ रखा है, ठीक है, कौन सा, नेचर ऑफ द एंटरिंग लिगेंड, नेचर ऑफ द लिविंग लिगेंड। ओके,
एंटिंग लिगेंड एंड लिविंग लिगेंड। एंटिंग लिगेंड कैसा होना चाहिए, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स हमने जो इफेक्ट नहीं पढ़े वो था आपका सॉल्वेंट इफेक्ट एंड आपका था ट्रांस इफेक्ट। तो हमें इसी के बारे में इसके अंदर पहले स्टडी कर लेते हैं। तो पहला था आपके पास कि गुड कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट लाइक DMSO, H2O, ROH, एक्सेट्रा इंक्रीज द लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन इन द रिएक्शन रहेगा। तो आपके पास ओवरऑल जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगी वो कैसे रहेगी, कौन से सॉल्वेंट में ज़्यादा रहेगा, यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग को बढ़ाता है, कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है, लाइक DMSO है आपके पास, H2 है, एल्कोहल है, ये सब लिगेंड की के साथ कोऑर्डिनेशन को बढ़ाते हैं ओवरऑल मेटल के साथ, तो लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो उनका जो ऑर्डर रहेगा, सबसे अच्छा कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट है वो है आपके पास DMSO, उसके बाद नाइट्रोमिथेन, देन आफ्टर H2O एंड एल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एंड टर्ब्यूटेनॉल। तो सबसे अच्छा आपके पास रहेगा DMSO। अब है आपके पास ट्रांस इफेक्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वापस इसको स्टडी करते हैं, प्रीवियस में भी हमने इसकी स्टडी की थी कि ट्रांस इफेक्ट डिपेंड करते स्पेक्ट्रो ये स्पेक्टेटर लिगेंड भी हम इसे कह सकते हैं कि अ लिगेंड विच इज नॉट लॉस्ट एंड रिमूव्ड इन सब इंस्टीट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड स्पेक्टेटर लिगेंड। अब किस टाइप से होगा वो तो एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया हमने लाइक पी से स्पेक्टेटर लिगेंड जो कि रिमूव या लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। अब है कि जो आपका स्पेक्टेटर लिगेंड है वो डायरेक्ट करता है, विच डायरेक्ट एंड इनकमिंग लिगेंड टू ऑक्यूपाई द पोजिशन ट्रांस टू इट, इट मीन्स जो स्पेक्टेटर लिगेंड टी वो ये बताएगा कि इनकमिंग लिगेंड को कहाँ पे आना है, वो कहाँ पे आएगा, इसके ट्रांसपोजिशन पे आएगा। तो पहले क्या होगा, जो इसके ट्रांसपोजिशन पे पहले से जो लिगेंड था वो डिसोसिएट होगा और जो वैकेंट साइट बनेगी वहां पे आपका ट्रांस लिगेंड या जो इनकमिंग लिगेंड है वो ऑक्यूपाइड करेगा। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि द स्पेक्टेटर लिगेंड विच डायरेक्ट एंड इनकमिंग लिगेंड टू ऑक्यूपाई द पोजिशन ट्रांस टू इट इज कॉल्ड ट्रांस डायरेक्टिंग ग्रोथ। अब है अपने पास कि दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लेबलाइजिंग इफेक्ट और ट्रांस लेबाइल इफेक्ट, इसका अदर नेम क्या है, कई बार अगर आपसे स्टेटमेंट टाइप में पूछ लिया गया तो आपको याद रखना लेबलाइजिंग इफेक्ट और ट्रांस लेबाइल इफेक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि बिकॉज स्पेक्टेटर लिगेंड इंक्रीज द लेबिलिटी ऑफ अ लिगेंड, लाइक ये स्पेक्टेटर के ट्रांस के ऊपर एक्स है, एक्स की लेबिलिटी को इंक्रीज करता है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इसलिए इसे कहते हैं ट्रांस लेबाइल इफेक्ट, ओके, विच इज पोजिशन टू इट ट्रांस पोजिशन। तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, हमारे पास एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, ये जो भी है हमारे पास स्क्वायर प्लानर, ओके, अब प्लेटिनम, ये दो तो सेम, ये आपका स्पेक्टेटर लिगेंड और इसके ट्रांस के ऊपर एक्स है, तो इसे ट्रांस लेबाइल सॉरी एवरीवन, इससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रांस लेबाइल ये आपका लिगेंड है, वाई से हमें इसे एक्सचेंज करना है, तो SN2 मैकेनिज्म में रहता है, मीन्स एसोसिएटिव मैकेनिज्म के द्वारा पहले कोऑर्डिनेशन नंबर जो अभी कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किसमें जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में। तो हमारे पास बन गया इस प्लेटिनम वाई और ये हो गया आपके पास प्लेटिनम, ठीक है, ऊपर आके ऑक्यूपाई किया था। अब ये जो स्पीसीज है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, TBP के अंदर, क्यों, क्योंकि पाई स्टेबलाइजिंग लिगेंड होगा अंदर तो TBP इंटरमीडिएट बनेगा, एंड देन आपका ये एक्स बाहर निकलेगा और आपके पास वापस से जो आपका प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। प्रोडक्ट कैसा रहेगा, स्क्वायर प्लानर, ओके, प्लेटिनम, दिस वन TAAY, तो ये रहेगा आपके पास ट्रांस इफेक्ट। अब हमें क्या पढ़ना है, ट्रांस इफेक्ट का काइनेटिक, या ट्रांस इफेक्ट हम इसे बोल सकते हैं काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट के नाम से भी जान सकते, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है इसलिए,
कोरिलेट विद द ग्राउंड स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके साथ रिलेटेड रहता है, ग्राउंड स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है। सेकंड पॉइंट था इसके अंदर, इन ट्रांस इफेक्ट ट्रांजिशन स्टेट इज लोवेस्ट एनर्जी के अंदर रहता है। जस्ट ये ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम है आपका, तो ट्रांस इफेक्ट के अंदर ये जो एनर्जी हाइट है ये क्या रहेगी, लोअर रहेगी कंपेयर टू अदर इफेक्ट। अब था आपके पास ये ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड और लेबलाइजिंग इफेक्ट ऑर्डर। ओके, तो ये हाई एंड आपका था ट्रांस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हाई एंड है, आप इसे ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आप कह सकते हो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, तो सबसे ज्यादा रहता है सी एन माइनस, यानी साइनाइड माइनस इज देन कार्बोनिन, देन नाइट्रोसिन, देन एथिलीन या एल्किन आप बोल सकते हो, इज ग्रेटर देन फॉस्फाइन एंड हाइड्राइड, एच माइनस इज ग्रेटर देन, या आपका था मिथाइल आयन एनायन सी सिक्स एच फाइव एनायन एंड एनओ टू माइनस आई माइनस इज ग्रेटर देन एस सी एन माइनस, यानी थायोसाइनेट इज ग्रेटर देन बी आर माइनस सी एल माइनस, पीरिडीन एल्किन एमिन एमिन इज ग्रेटर देन फ्लोरिन हाइड्रोक्साइड, एच टू इज द लोवेस्ट एंड रहेगा, इट मीन सबसे ज्यादा हाई एंड का, सबसे लो लोवेस्ट एंड का। तो ये थे आपके पास, एक है आपके पास पाई एक्सेप्टेड ऑर्डर ऑफ लिगेंड, तो सबसे मोर पाई एक्सेप्टर कौन आपका रहेगा, अगर इन तीनों में से दे रखा है तो एल्किन, देन आफ्टर कार्बोनिल, देन साइनाइड, देन एनओ टू माइनस, फिर ये था साइनेट थायोसाइनेट। ओके, आइसो थायोसाइनेट है ये आपके पास, एक होगा थायोसाइनेट, तो ये है आपके पास आइसो थायोसाइनेट, फिर आयोडाइड माइनस बी आर माइनस, तो ये किसका ऑर्डर है, पाई एक्सेप्टर ऑर्डर है, एल्किन का सबसे ज्यादा, फिर कार्बोनिल, फिर साइनेट। अगर हम सिग्मा डोनर की बात करें तो लो एंड वाले आपके देखिए वो रहेगा आपके पास एच माइनस पी आर थ्री फॉस्फाइन एस सी एन माइनस इज ग्रेटर देन आई माइनस इज ग्रेटर देन सी एच थ्री माइनस, यानी कि किसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो सबसे कम सिग्मा डोनर करेगा, अगर एच के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो सबसे ज्यादा सिग्मा डोनर कहलाएगा। आई होप आप इस दोनों ही सीरीज को समझ पा रहे होंगे, इसे आपको रिमेम्बर करना है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन भी होता है कि पाई एक्सेप्टर का ऑर्डर क्या था, ट्रांस इफेक्ट लिगेंड का ऑर्डर क्या था, लाइक आपका जो कॉम्प्लेक्स दे रखा उसके अंदर दो आपको लिगेंड दे रखे, अब किस लिगेंड के आपके पास ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है उसके ट्रांस पोजिशन का लिगेंड आपका सब्स्टिट्यूट होगा इनकमिंग लिगेंड से। ओके, तो यही आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे तो जाके हम समझेंगे। ये आपके पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल लाइक रोडियम H2O6, ये क्या है रोडियम H2O6। ओके, अब यहाँ पे पहले हमने एक लिगेंड सब इंस्टीट्यूट करवाया Cl से, तो हमारे पास बन गया दिस, इसका जो एक्सियल पोजीशन वाला Cl है पहले H2 है वो पहले रिप्लेस होगा Cl से, फिर वापस Cl से हमने करवाया, तो अब देखिए Cl और H2O में Cl एंड H2O में ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा है। ओके, तो Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो Cl का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा इसलिए इसके ट्रांस पोजिशन पे जो लिगेंड है H2O वो रिप्लेस होगा अदर जो इनकमिंग लिगेंड है Cl उससे। ट्रांस इफेक्ट सीरीज देख लेते हैं आप, देखिए Cl माइनस इज ग्रेटर देन H2O से है, इसलिए आपका Cl के ट्रांस पोजिशन पे जो लिगेंड है वो सब इंस्टीट्यूट होगा इनकमिंग लिगेंड से। ठीक, इसका ट्रांस इफेक्ट ऑफ यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को कि ट्रांस इफेक्ट ऑफ Cl माइनस इज ग्रेटर देन H2O, इसलिए आपका ये इसके ट्रांस पोजिशन पे जो H2 है वो रिप्लेस हुआ है इस Cl से, तो आपके पास ये आ गया Cl ट्रांस ऑक्टेटल। अब अदर जो Cl है, अब इसके ट्रांस में भी ये Cl है, इसके ट्रांस में भी Cl है, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप तीसरा Cl यूज करेंगे तो वो 4H2O में से किसी एक H2O को रिप्लेस करेगा, सपोज कीजिए इस H2O को इसने रिप्लेस किया तो यहाँ Cl बना, तो आपको बन गया मेरिडियोनियल स्ट्रक्चर। मेरिडियोनियल स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको टी शेप के अंदर लिगेंड अरेंज दिखते हैं लाइक दिस वन, ये टी शेप में सेम लिगेंड है 1 2 3 और सेकंड टी शेप में सेम लिगेंड। ओके, दिस दिस एंड दिस,
ये था आपका मेरिडियोनियल, पॉइंट ग्रुप रहता है सीटोवी, पॉइंट ग्रुप रहता है, और एक रहता है आपका, एक मेरिडियोनियल रहता है और एक क्या रहता है, एक स्टेप्स रहता है, फेशियल अरेंजमेंट, फेशियल अरेंजमेंट, और उसका जो पॉइंट ग्रुप रहेगा वो कितना रहेगा, C3V. ओके, अब देख लेते हैं आपके पास है अदर एग्जांपल हमारे पास, जो हमको पर्टिकुलर स्टडी करना है, प्लेटिनम कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, तो PtCl4 2- प्लस NS3. पहला हमने जब रिएक्शन करवाई तो किसी एक Cl का किसी भी पोजीशन से NH3 से रिप्लेस होगा तो आपको बनेगा प्लेटिनम, फिर एक NH3 अभी जो यहाँ पे था वो स्टेप से था, अभी आप किसी भी Cl को रिप्लेस करा सकते हो. तो सपोज ये फर्स्ट स्टेप मैंने इसे रिप्लेस किया तो मेरे पास यहाँ पे बना NH3. अब सेकेंड बार जब मैं NO2 लिगेंड से इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे ट्रांस इफेक्ट ऑफ NH3 एंड Cl देखना पड़ेगा. तो ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, हियर ट्रांस लेवलाइजिंग ऑर्डर ऑफ Cl इज ग्रेटर देन NH3. देख लेते हैं, यहां पे देखिए, इसको पहले साइनाइड, कोबाल्ट, नाइट्रोसिल, एल्किन, Pr3H- CH3- C6H8- NO2- I- HCN- Br- Cl- इज ग्रेटर देन Py, इज ग्रेटर देन एल्किन एमिन, इज ग्रेटर देन एमिन, यानी एमिन से क्लोराइड की ज्यादा है, यानी कि क्लोराइड की पोजीशन से आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है. तो ये जो आपका है प्लेटिनम, अब इस क्लोराइड का ट्रांस पे NH3 है तो इसे नहीं रिप्लेस करना क्योंकि ये तो अभी अभी इनकमिंग है. बचे हुए जो दो क्लोरीन है ClCl, ओके, उसमें से एक क्लोरीन को आप रिप्लेस कीजिए. तो Cl लेस लेबल कहलाएगा, NH3 आपका जो मोर लेबाइल है, मोर आपका NH3 का जो ट्रांस इफेक्ट यहाँ पे देखा जाए तो सपोज यहाँ पे इसे स्टडी कर लीजिए कि ट्रांस लेबलाइजिंग ऑर्डर ऑफ Cl इज ग्रेटर देन NH3. ठीक, Cl का NH3 से ज्यादा है इसलिए अब किस कौन सा देखेंगे, अब Cl के ट्रांस पे NH3 बट इसे रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि इसने अभी अभी इनकमिंग किया है. तो बचे हुए जो Cl है उसके किसी एक Cl, सपोज ये मैंने इसको होल्ड करके रखा तो इसकी होल्ड करके रखा तो इसके ट्रांस के ऊपर ये दूसरा Cl है जिसे मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. अब इस A वाले को मोर लेबल है तो ये एक्सचेंज हो जाएगा किससे, NO2 से, इनकमिंग लिगेंड से. ओके, इस टाइप से आपको इसे रिप्लेस करना है, तो गेट एक्सचेंज बाय NO2. अब इसी के ऊपर एक सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल को रीड करते हैं. प्लेटिनम Cl4 2- है आपके पास, ओके, प्लेटिनम Cl4 2-, इसकी रिएक्शन हमने करवाई H- से. फर्स्ट स्टेप में H- कहीं पर भी आ सकता है, सपोज यहां पे हमने इसको एंटर करवाया. अब H- और Cl में किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा होता है, यह ट्रांस इफेक्ट ऑफ H- यहां पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, इज ग्रेटर देन Cl, इसलिए H जो इनकम हुआ था इसके ट्रांस पोजिशन के ऊपर Cl है जिसे हमने A से लेबल्ड किया है, वो Cl रिप्लेस होगा इनकमिंग लिगेंड PPH3 से. तो अब की बार में क्या हुआ कि H के ट्रांस पोजिशन पे PPH3 आया, यानी कि H ने स्पेक्टेटर लिगेंड ने डायरेक्ट किया इनकमिंग लिगेंड को, तो PPH3 इसके ट्रांस में आया तो ये कहलाएगा आपका ट्रांस प्रोडक्ट. इसी टाइप से आप अदर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, अदर क्वेश्चन से है ये सब. देखिए प्लेटिनम NH3 4 2+, अब लिगेंड है कोबाल्ट, सॉरी कार्बोनिल. फर्स्ट स्टेप में कार्बोनिल कहीं पे भी आ सकता है, सपोज हमारे पास यहाँ पे आया. अब ट्रांस इफेक्ट देखना है, कार्बोनिल और NH3 में ट्रांस इफेक्ट डेफिनेटली CO का ज्यादा रहता है. अब CO का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो इसके ट्रांस पोजिशन पे जो NH3 है वो आपका रिप्लेस होगा इनकमिंग लिगेंड NO2 से, तो ये आपके पास आ गया NO2, ये बन गया आपके पास ट्रांस प्रोडक्ट. इसी तरह एक एग्जाम्पल है आपके पास, लाइक प्लेटिनम Cl4 2+ NO2. तो पहले स्टेप में क्या होगा, NO2 कहीं पे भी आ जाएगा, सपोज यहाँ पे आया. अब NO2 का ट्रांस इफेक्ट जो है वो Cl से ज्यादा है, NO2 इज ग्रेटर देन Cl. अगर नहीं पता चल रहा तो एक बार टेबल देख लेते हैं, ये टेबल आपको याद हो जाएगी प्रैक्टिस करते करते.
एनओ टू इज ग्रेटर देन सीएल, ठीक है, एनओ टू इज ग्रेटर देन सीएल, इसलिए क्या होगा हमारे पास, एनओ टू के जो ट्रांसपोजिशन के ऊपर सीएल है ये रिप्लेस होगा आपका एनओ टू से, तो ये एनओ टू से रिप्लेस हुआ और यहाँ पे एनओ टू आ गया, तो अब आपके पास ये कैसा प्रोडक्ट बन गया, ट्रांस बन गया, ओके, तो ये आपके पास बन गया प्रोडक्ट। अब इसमें सिस और ट्रांस अभी हम बता नहीं पाएंगे, ओके, प्रोडक्ट है आपका, अब एग्जांपल है आपके पास लाइक प्लेटिनम NS3 4H- से इसकी रिएक्शन करवानी है, तो फर्स्ट स्टेप में तो H यहाँ पे आ गया, अब H का जो ट्रांस इफेक्ट रहता है वो NS3 से ज़्यादा रहता है, तो डेफिनेटली H जो है वो डायरेक्टिंग लिगेंड रहेगा और इसके ट्रांस पोजिशन के ऊपर जो NS3 है इसको ये रिप्लेस करेगा मैथिल एनायन से, तो ये आपका CH3 से आपका रिप्लेस हो गया और आपके पास जो प्रोडक्ट बना ट्रांस प्रोडक्ट कौन कौन, ये और ये एक दूसरे के ट्रांस है। अब है आपके पास अदर एग्जाम्पल प्लैटिनम PtCl4 2-, इसकी रिएक्शन करवाई NS3 से, तो एक कोई भी Cl NS3 से यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया। अब जो आपका ट्रांस इफेक्ट है वो किसका ज़्यादा है, Cl का ग्रेटर देन NS3, तो NS3 के ट्रांस पे जो Cl है वो रिप्लेस नहीं होगा, इसको छोड़ के रिमेनिंग के दो Cl, ये Cl इसको मैंने होल्ड किया और इसके ट्रांस पोजिशन पे जो Cl था A जिसको मैंने लेबल किया Cl A से वो रिप्लेस होगा PR3 से, तो अब हमारे पास यह है PR3, तो इन दोनों की अभी पोजीशन कैसी है, सिस पोजीशन दिख रही है आपको, ये प्रोडक्ट कैसा रहेगा आपके पास, सिस, दो जो आपके पास डिफरेंट ग्रुप है वो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर है तो वो कहलाएगा सिस प्रोडक्ट, अगर ये डिफरेंट ग्रुप 180 के एंगल पे होते तो वो ट्रांस प्रोडक्ट आपका कहलाता। देखिए हम एग्जाम्पल इतने सारे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, इसलिए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर रहे हैं। अब है आपके पास मॉलिब्डेनम CO6+PR3, तो मॉलिब्डेनम CO6 में एक सारे के सारे CO सेम, इसलिए कोई भी एक CO PR3 से रिप्लेस होगा, तो ये देखिए PR3 से रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ट्रांस इफेक्ट ऑफ CO इज ग्रेटर देन PR3, इसलिए सेकेंड लिगेंड जब आएगा तो वो इस PR के ट्रांस पे नहीं जाएगा, वो किसी एक CO के ट्रांस पोजिशन पे जाएगा, तो सपोज कीजिए इस PR3 के कार्बोनिल और ये PR3 तो रहेगा होल्ड, किसी एक CO का आपने रखा होल्ड, लाइक मैंने इसे होल्ड रखा, तो इसके ट्रांस पोजिशन पे जो CO है वो आपका रिप्लेस हुआ, ये आपका रिप्लेस हुआ किससे, PR3 से, तो आपको क्या मिला, सिस प्रोडक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि जो दो सेम आपके पास स्पीसीज है वो कितने पे आ रही है, 90 डिग्री के एंगल पे आ रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे सिस प्रोडक्ट है, ओके। अब हमारे पास ट्रांस इन्फ्लुएंस, एक था ट्रांस इफेक्ट और एक है आपके पास ट्रांस इन्फ्लुएंस, तो इसको भी देख लेते वन बाय वन, ट्रांस इन्फ्लुएंस क्या है, तो देखते हैं ये क्या रहता है कि इट इज अ थर्मोडायनेमिक फिनोमिना, जो ट्रांस इफेक्ट था वो कैसा था, काइनेटिक फिनोमिना था, और ये है आपके पास थर्मोडायनेमिक फिनोमिना, इन्फ्लुएंस द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज लाइक कौन कौन से, मेटल लिगेंड बॉन्ड है, मेटल लिगेंड बॉन्ड लेंथ, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी एटसेट्रा, ओके, तो ट्रांस इन्फ्लुएंस थर्मोडायनेमिक फिनोमिना है, इट इज को रिलेटेड विद द ग्राउंड स्टेट, ओके, इट आल्सो को रिलेटेड विद सिग्मा डोनर एबिलिटी ऑफ लिगेंड, और किस पे ये जुड़े हुए रहते हैं, सिग्मा डोनर एबिलिटी ऑफ लिगेंड से जुड़े होते हैं। थर्ड पॉइंट है, इफ वन लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर देन ट्रांस लिगेंड इजिली सबस्टिट्यूटेड बिकॉज ऑफ वीक इंटरेक्शन, अगर कोई स्ट्रांगली सिग्मा डोनर है, लाइक मैं आपको समझ में आता हूँ, ये मेटल, ये आपके पास कोई सपोज कीजिए ये कोई वाई लिगेंड है, वाई स्ट्रांग सिग्मा डोनर है, तो इसके ट्रांस के ऊपर जो लिगेंड है, सपोज कीजिए इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो एक्स वाला जो है उसका जो इंटरेक्शन है वो वीक हो जाएगा, मेटल एक्स इंटरेक्शन वीक,
और जो एक्स लिगेंड है वो रिप्लेस हो जाएगा इनकमिंग लिगेंड के द्वारा। तो इफ वन लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर देन ट्रांस लिगेंड इजिली सब्स्टिट्यूटेड बिकॉज वीक इंटरैक्शन और मोर डायपोल मोमेंटम। इसका इस मेटल एक्स बॉन्ड का डायपोल मोमेंटम म्यू भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, इसलिए ये इजिली सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अब है आपके पास पॉइंट नंबर फोर, इट इज क्वांटिटेटिवली मेजर, यानी कि इसे हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर पाते हैं। कौन कौन सा है? देख लेते हैं। इसके अंदर बॉन्ड लेंथ चेंज होता है, इसका स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी में चेंजेस देखने को मिलती है आपके पास, मेटल लिगेंड एनएमआर कपलिंग कांस्टेंट आपको चेंज देखने को मिलता है। इन ट्रांस इन्फ्लुएंस एक्टिवेशन एनर्जी क्या रहती है आपकी? हाई कंपेयर टू ट्रांस इफेक्ट, इसलिए ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। बॉन्ड लेंथ चेंज होता है, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी चेंज होता है, एनएमआर कॉन्स्टेंट चेंज होता है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इसकी रहती है हाई। अब देखिए एक्टिवेशन एनर्जी है, ट्रांस इन्फ्लुएंस ऑफ एल इज ग्रेटर देन ट्रांस इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लाइक दिस वन। ये आपके पास टी जो कि ट्रांस इफेक्ट का स्पेक्टेटर है, ओके, और ये है आपके पास एल जो कि ट्रांस इन्फ्लुएंस शो करेगा। तो ट्रांस इन्फ्लुएंस मोर ग्रेटर रहता है कंपेयर टू ट्रांस इफेक्ट। तो अब क्या होगा आपके पास, तो मोर डायपोल मोमेंटम मेटल एक्स बॉन्ड के बीच में आपको देखने को मिलेगी, मेटल एक्स बॉन्ड डायपोल मोमेंटम म्यू इंक्रीज मोर लेबाइल फॉर द सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो इस लेसन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पर्टिकुलर पसंद आया होगा। इसके अंदर हमने क्या स्टडी किया था? लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लानर, और इसको इफेक्ट करने वाले दो इफेक्ट के बारे में हमने स्टडी की मेजर। बाकी के इफेक्ट हमने प्रीवियस हमने स्टडी कर चुके थे, उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इसलिए हमने इसे लेक्चर को छोटा रखने के लिए वापस से उसको स्टडी नहीं किया। जिसने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर, हमारे जो प्लेलिस्ट है वीडियो सीरीज की जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके उससे रिलेटेड लेक्चर को आप देखिएगा। तो आई होप आप सही से समझ पाएंगे। तो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा लिगेंड सब इंस्टीट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लानर, सेकंड हमारे पास था इसके अंदर सेकंड था हमारे पास ट्रांस इफेक्ट के बारे में, सॉल्वेंट इफेक्ट, एंड फिर हमने पढ़ा था ट्रांस इफेक्ट, और एक हमने पढ़ लिया ट्रांस इन्फ्लुएंस के बारे में हमने पढ़ा इन्फ्लुएंस, ओके। तो इस टॉपिक को या इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।